तो गाइस, क्या आप लोगों का चश्मा भी बार बार खसक खसक के नीचे आ जाता है? और आप लोग भी बहुत सी बार चश्मा अपना टाइट करा करा के परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपका चश्मा अभी तक परफेक्टली टाइट नहीं हुआ है? आप बार बार किसी ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं, फिर चश्मा टाइट करवाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वापस से धीरे धीरे नीचे खसकने लग जाता है? तो आज की इस पावरफुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस वैल्यूएबल वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग घर बैठे बैठे आपका चश्मा बहुत ही आसान तरीके से टाइट कर सकते हैं। आपको कोई पिंचेस की जरूरत नहीं है, कोई प्लायर की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किसी सिंपल सी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग घर बैठे बैठे आसान तरीके से अपना चश्मा टाइट कर सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो में बताऊंगा सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसको चश्मा खरीदते हैं ध्यान रखना है, जिससे कि आप लोग परफेक्ट आई ग्लासेस खरीदे जो कि बार बार ढीला ना हो और आप लोगों का चश्मा खसक खसक के बार बार नीचे ना आए। तो इस पावरफुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट की पावरफुल वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए किंग फैमिली, लेट्स स्टार्ट दिस पावरफुल वीडियो। हाँ तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमें चश्मा खरीदने से पहले कौन सी वो एक बात है जो ध्यान में रखना है जिससे कि हम लोग टाइट चश्मा या एक परफेक्ट चश्मा हमारे फेस के अकॉर्डिंग खरीद सके। पर उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा चश्मा ये ढीला आखिर होता क्यों है। तो मैं सबसे पहला रीज़न आपको बता दूं, आप लोग अपने चश्मे को जब लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं उसके कारण से ये जो चश्मा है इसकी बैलेंसिंग, जो आप लोग जब नया खरीदते हैं तो ये प्रॉपर ऐसी रहती है, तो इसी की जगह चश्मे की बैलेंसिंग इस टाइप से हो जाती है, मतलब कि चश्मा थोड़ा सा फैल जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है, आप लोग जब चश्मा थोड़े दिन पहनते हैं उसके बाद ये चश्मा इस टाइप से पूरे नीचे खसकने लग जाता है। ऑटोमेटिक आप लोग चश्मा यहाँ लगाते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ तक आ जाता है। तो ये था सबसे पहला कारण, हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि चश्मा ढीला क्यों हो जाता है। लंबे समय तक चश्मा लगाने के कारण चश्मे का बैलेंस आउट हो जाता है, इसलिए चश्मा ढीला हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कौन सी वो एक बात है जो आपको ध्यान रखना है चश्मा खरीदने से पहले। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला सिंपल सा वो ट्रिक है वो ये है कि आप लोग जब भी चश्मा खरीदें उसके पहले एक बात तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोई सा भी चश्मा खरीदें, चाहे वो फाइबर फ्रेम हो, मेटल फ्रेम हो या विदाउट फ्रेम हो, उसको खरीदने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो उनकी डंडियाँ हो, आप लोगों ने कभी एक बात नोटिस करी है कि ये डंडियों का जो घुमाव होता है वो यहाँ से ही क्यों होता है? क्यों कभी ये डंडियाँ यहाँ से नहीं घुमी होती है, यहाँ से नहीं घुमी होती है, यहाँ से नहीं घुमी होती? क्यों? क्योंकि जो बेंड सरफेस है ये हमारे कान के पीछे यहाँ पे पकड़ बना कर रखती है, जिससे चश्मा हमारा टाइट रहता है। तो आप लोगों को चश्मा जब भी आप लोग खरीदें उसके पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो जो चश्मे के जो स्ट्रिक है या जो चश्मे की घुमावदार डंडी है ये हमारे कान पे एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए। इसी के कारण जो हमारा चश्मा है ये टिकता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या बहुत से ऑप्टिशियन या क्या करते हैं कि वो आपको चश्मा तो दे देते हैं पर इसकी जो डंडी है ये हमारे परफेक्टली यहाँ तक टिकती नहीं है, वो या तो हमारे कान की थोड़ी सी आगे जाती है, इसी कारण से जो चश्मा आपका ढीला रहता है। हाँ तो गाइस, कौन सी वो सिंपल सी ट्रिक है जिससे कि आप लोग घर बैठे बैठे अपने चश्मे को टाइट कर सकते हैं? तो उसके वो चलने से पहले थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूँ कि चश्मा कहाँ कहाँ से टाइट होता है। तो चश्मे के लिए 2 से 3 पॉइंट होते हैं टाइट करने के लिए। सबसे पहला होता है नोज पैड, जिसे हाथ से थोड़ा सा आगे करना है और फिर लगा के अपने चश्मे को देखना है तो ये थोड़ा सा टाइट हो चुका होगा। अगर इससे भी टाइट नहीं हुआ तो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा सिंपल सा वो बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपको घर पर क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे हाथ रखना है, ये जो एरिया है इसको हल्का सा नीचे प्रेस करना है और इस वाले तरीके से इधर इसको भी इन अंदर की तरफ प्रेस करना है, इधर से भी अंदर प्रेस करना है और इधर से भी अंदर बेंड करना है, उसको हल्का सा इधर से भी बेंड करना है। अब देखते हैं ये चश्मा अभी भी ढीला है या टाइट हो चुका है। अब आप लोग देखिए चश्मा कितना टाइट हो गया, जो चश्मा पहले एकदम खसक खसक के नीचे आ रहा था वो चश्मा अब देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं मैंने बताया, हल्का सा ये जो पॉइंट है इसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ दबाना है और इसको भी हल्का सा अंदर की तरफ नीचे की तरफ थोड़ा सा दबा के अंदर करना है। बस आप लोगों को ये सिंपल सी ट्रिक अपनाया ना है। अब आप में से बहुत से लोग नीचे कमेंट में पूछेंगे भाई हमारे चश्मे का ये पीछे का जो एरिया है बहुत ही कड़क है, तो आपको कुछ नहीं, हल्का सा ड्रायर जो आपके घर में होगा बाल सुखाने का उससे हल्का सा इसको गर्म करना है, जिसे आप लोग गर्म करेंगे हल्का सा नरम हो जाएगा। तो उसको इधर करके नीचे झुका दीजिए अंदर की तरफ और इसको भी अंदर की तरफ झुका दीजिए और अब अपने चश्मे को लगा के देखिए टाइट हो चुका होगा। तो यही थी सिंपल सी ट्रिक जिससे कि आप लोग अपने चश्मे को घर बैठे बैठे टाइट कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा और इसी तरीके के बहुत सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम लोगों ने 200 से ज़्यादा वीडियोस बना के रखी है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स तक, फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, क्योंकि ये जो समस्या है चश्मा ढीला होने की हज़ारों लोगों को आती है, तो इस वीडियो से उन लोगों के लिए भी हेल्प हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।